बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य में आप सबका स्वागत है। गत क्लास में हमने देव पर प्रकाश डाला था, जिनकी संपूर्ण रचनाओं पर हमने गहराई के साथ अध्ययन कर लिया। और इससे पहले हमने शुरुआत की थी बिहारी की। बिहारी में हमने भक्ति नीति और श्रृंगार पर प्रकाश डाल लिया। अच्छी तरह से एक एक दोहा उनका विस्तार से हमने समझा। मैं आशा ये करता हूँ कि आप भी मेरे साथ कदम दर कदम चल रहे होंगे और हम हमारा जो ध्येय है, हमारी जो मंजिल है, उस पर हम पहुँचने वाले हैं। साथ साथ चलोगे काम आसान बनता जाएगा। अचानक शुरू करेंगे तो फिर अपना काम बाधित होगा। तो हम बिहारी में भक्ति नीति श्रृंगार, जिसमें आपने, मैं आशा करता हूँ कि 10-10 दोहे याद होंगे हो गए होंगे, जैसे नीति सी है, भक्ति सी है, श्रृंगार सी है। श्रृंगार तो इनका गागर में सागर भरा पड़ा है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात भरे पवन में करत है नैनश्यों। वाह, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। इसके बाद में गणानंद हमने अच्छी तरह से इनके जितने भी पद थे हमने बड़ी ही गहराई के साथ हमने उसका अध्ययन कर लिया। अति सुदोष नेको मार्ग है। गणानंद नाम आते ही आपके अंदर जिस प्रकार से सागर में लहरें उठती है, उसी प्रकार से प्रेम की लहरें आपके अंदर भी उठनी चाहिए। अति सुदोष नेको मार्ग है, जहाँ नेको श्यानक बांक नहीं, ता साचे चले तजु आपन पो, जित के कपटी निशांक नहीं, तुम तो पट्टी पड्डे हो लल्ला, मन दोहु छंटांक नहीं, डिठी को कहीं और न ठोर। इनके जितने भी पद है आपको वैसे मौखिक भी याद हो जाने चाहिए। बड़ा आसान रहेगा जब प्रश्न आएगा कि समझे कविता गण आनंद की, ये अंकन की पीर जगी, ये कथन किसने कहा और किसके संदर्भ में कहा, तो आपके दोनों अंक का भी आ सकता है और 20 अंक का भी आ सकता है। और यह इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है आपके 20 अंक का कि गणानंद प्रेम के पीड़ा के कवि है, सिद्ध कीजिए। तो या इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि गणानंद का काव्य है, वियोग से भरा पड़ा है, तो आपको जैसे ही गणानंद जी का इस प्रकार से प्रश्न पूछे, आपके अंदर प्रसन्नता से ऐसे हिलोरे दें कि आपके सारे दोहे वहाँ लिखा कि आ जाओगे तो 20 अंक का जो पेपर आता है उसमें एक ही अंक आपके कटने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में हम आगे चलें। हम अब नया जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रज्जव। नाम सुना होगा रज्जव, जिनका जन्म अपने जयपुर के निकट सांगानेर गांव में हुआ था। और ये रज्जव है जाति से मुसलमान बताते हैं। इनका जो बचपन का नाम था रज्जव अली खान था। और जब 20 वर्ष की आयु हुई तो इनकी शादी में के जब ये दूल्हे के वेश में थे और शादी करने जा रहे थे, तो रास्ते में एक सत्संग चल रहा था, जो दादू दयाल का सत्संग चल रहा था। तो ये जैसे ही उनके वचन सुने वहीं रुक गए। तो दादू दयाल ने क्या कहा था, इनको एक बात कही थी, वो ही इनकी चोट लगी और घर कर गई। कौन सी बात? कि एक ऐसी बात कही, ऐसा कथन कहा जो कि रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांध्या मोर, आया था हरि भजन को, नरक में किया ठोर। कहते हैं आज तूने गजब ही कर दिया, सिर पर क्या बांध लिए, वैसा मुकुट धारण कर लिया जिस प्रकार शादी में जाते हैं वो अलग अपने वेशभूषा सजावट करने के लिए जाते हैं, वैसा आपने बनाया है। तो कहते गजब कर दिया आपने तो। कहते आया था तो ईश्वर भजन करने के लिए था, और नरक की तरफ कहाँ ठोर किया है। तो ऐसा वचन जब लगा उनको रज्जव को, तो कहते हैं कि संसार से इनको विरक्ति हो जाती है और आध्यात्मिक में वो लीन हो जाते हैं। अपने गुरु किसको मानते हैं, दादू दयाल को। इनकी जितनी भी रचनाएं गुरु महिमा पे आधारित है। इन्होंने दो ग्रंथ हुई रचना की, एक तो रज्जव वाणी और दूसरी रचना की थी इन्होंने सर्वागणी, जिसमें इनके जो साखी है वो 5,428 साखी है और 193 अंगों में विभाजित है। तो आज हम रज्जव पे चर्चा करते हैं। रज्जव के जितने भी पद हैं, संसार को क्या माना है, नाशवान माना है, और गुरु महिमा का व्याख्यान किया है कि ये संसार है,
ये वो माया में लिपटा हुआ ऐसा है आवरण है जिसमें व्यक्ति उलझ कर मर जाता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने आवरण को चुनती है बाहर और बीच में फिर फंस के वहीं उलझ के मर जाती है, इसी प्रकार इंसान यहाँ पर जो देह धारण करके आता है वो देह पूर्ण नहीं होता और वैसे ही चला जाता है। तो यहाँ पे आप मैं इनके पहले जो इनके साक्षी है पद है इनके वो मैं प्रकाश डालूंगा, फिर इनके बड़े पद है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं दादू दया। क्या नाम है? दादू दया। दादू दया तो इनका गुरु था। अपने पढ़ रहे हैं रज्जब रज्जब पद। देखिए इनका पहला जो पद है देखते हैं कि इनका पहला पद आते हैं जन रज्जब गुरु की दया। जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि प्राप्ति हुई आगे प्रकट रूपत पिछानिए गोपत पिछानिए जिस ही न दिखे कोई क्या बताएं? जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि प्राप्त हुए प्रकट गुप्त पिछानिए जिसे कोई। गुरु की महिमा का यहाँ पे व्याख्यान करते हुए कवि रज्जब बताते हैं कि जन रज्जब गुरु की दृष्टि दया दृष्टि जब गुरु की जीव पर दया दृष्टि हो जाती है तो कहते हैं कि प्राप्ति हुई। पहले तो ये है कि अपने उच्च भाग होंगे तो ही गुरु की दृष्टि प्राप्त होगी, अन्यथा हमें कोई दया मेहर उनकी प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार यहाँ रज्जब कहते हैं कि जिस जीव पर जिस इंसान पर गुरु की दया दृष्टि हो जाती है तो क्या बताती है? प्रकट गुप्त पिछानिए गुप्त वस्तु क्या हो जाती है? मिल जाती है। गुप्त वस्तु मिल जाती है जिसे देख के कोई व्यक्ति ही उस चीज को देख पाता है। यहाँ पे लौकिक से अलौकिक बात आई है रज्जब की। कहते हैं कि जो ऐसा खजाना अंदर भरा पड़ा है वो खजाना हमें मिल जाता है और हम बाहर भिखारी बने हुए घूम रहे हैं। वो खजाना हमारे अंदर ही है, वो मिलेगा कब? रज्जब कहते हैं जब गुरु की क्या हो जाती है? दया दृष्टि हो जाती है। जिस प्रकार से कबीर ने कहा था, बड़ी ही गहरी बात है सुनना, कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद आवे हाथ। कहते वस्तु कहीं पड़ी है हम कहीं ढूंढ रहे हैं, हाथ नहीं आती। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद आवे हाथ, कह कबीर तब पाया भेदी लीना साथ। हमें वो भेदी मिल जाए उस वस्तु को हमें ढूंढने में जो सहायता प्रदान करे जो वेदी वो गुरु मिल जाए। तो आगे क्या बताए कि वेदी लीना साथ का दिनी वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथ था पहल में पहुंचा जाए। हम पता नहीं कब से ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, अगर वो मिलाने वाला कौन है? हमारे जो मध्य बनता है वो गुरु बनता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि उस जन पर उस इंसान पर गुरु की दृष्टि हो जाती है। कौन कहते हैं? रज्जब कहते हैं। तो कहते हैं वो जो गुप्त वस्तु है गुप्त जो वस्तु है वो क्या हो जाती है? पहचान लेते हैं, पहचान हो जाती है जिसे कोई देख पाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिसको उस ईश्वर ने अनुभूति की है उसको वो ही जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता। अब मान लो कोई अपने जो यहाँ गुरु है, ये महत्वपूर्ण बात है। गुरु का जो पद है वो बड़ा ही महान है, ये सामान्य बात नहीं है। यहाँ पे गुरु की है, ये गुरु ने जैसे कबीर ने कहा था गलिहारी गुरु फिरते घर घर कंठी देत अवर काज इनको नहीं दृप भगवान है। तो कहते हैं ये गुरु नहीं है जो घर घर में अपने के क्या फिर रहे हैं, भिक्षा मांगते फिर रहे हैं, ये गुरु नहीं है। रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले गुरु नहीं है। यहाँ पे गुरु
का पद बड़ा ऊंचा पद है, जिसने ईश्वर को देखा है, उसकी अनुभूति की है, उसके लिए आया ये गुरु। कहते ऐसा गुरु हमें मिल जाए जो गुप्त प्रकट, हमें वो चीज हमें दिखाई देने लग जाती है जो गुप्त है, जो गुप्त है उसको हम पहचान लेते हैं लेकिन किसी किसी को दिखाई देती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, सभी देवी देवताओं को अंतर दिखाया था, पता है आपने देखा, आपने टीवी के माध्यम से हम देखते हैं। इसी प्रकार गोरखनाथ ने कहा था, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, जो ब्रह्मांड में है वो कहाँ पे है, शरीर में है, खोजता हुई पाता है। देखो गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, देखो नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा, नाम जपोगे तो कहते हैं करोड़ सूर्य की रोशनी अंदर आ जाती है, लेकिन उस बात को कौन पहचान पाता है, वो ही पात्र पहचान पाता है जिस पात्र ने वो अनुभूति की है, अन्यथा दूसरे नहीं। आपको एक बात बताता हूँ कि जब राजमती ये संसार छोड़कर सतलोक जाती है तो क्या देखती है कि कबीर ही है ना सतपुरुष बने बैठे हैं, सतपुरुष बने बैठे हैं कबीर ही। तो राजमती रानी ने कहा कि आपने वहां क्यों नहीं बताया कि मैं सतपुरुष हूँ, कहते मेरी बात को वहाँ मानने वाला कौन था। तो ये गुरु होते हैं अपने आप को यहाँ आके गुरु नहीं मानते हैं, अपने आप को साधारण मानते हैं, साधारण मानते हुए वो माया से लिप्त नहीं रहते, बाहर रहते हैं, वो होते हैं गुरु। चले आगे हम दूसरा पद पर प्रकाश डालते हैं, तो दूसरी प्रकाश डालते आगे देखो, सेवक कुंभ कुंभार गुरु, सेवक कुंभ कुंभार गुरु, गड़गड़ काटे खोर सजद माही सहाय करी, तब बाहरी दे चोट। यहाँ रजब गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि गुरु कैसा हो कि हमारे अंदर जो भी खोट है, विषय विकार है, अंदर हमारे ईर्षा द्वेष निंदा चुगली काम क्रोध मतलब अहंकार जो भी विषय विकार भरे पड़े कूट कूट कर, उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, गुरु करता है। गुरु की महानता यहाँ पर दर्शाई गई है किस प्रकार से, तो वो इस दोहे के माध्यम से, इस साथी के माध्यम से क्या कहते हैं, सेवक तो है कुंभ, सेवक तो एक मटका है, घड़ा है, कुम्हार गुरु, गुरु है वो क्या है, कुम्हार है। जिस प्रकार से कुम्हार मटके को बनाता है, घड़े को बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, पहले मिट्टी को मथता है, उसको ऐसा मथता है, महीन बनाता है, पैरों से इसको पीटता है, लेकिन मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती, अपना अस्तित्व तो मिटाती है। तो गुरु ऐसा ही हो, तो कहते हैं वो गुरु ऐसा है कुमार की भांति, जिस प्रकार से कुमार क्या बनाता है, मटका बनाता है। तो क्या बताया कि सेवक कुंभ कुंभार गुरु, गड़गड़ काटे खोट रजब माई सहाय करी, बाहर मारे तभी बाहर दे चोट। ये कबीर का भी ऐसा ही है एक, कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट अंतर हाथ के सहार दे बाहर मारे चोट। तो इसमें बताया है कि गुरु तो कुमार की भांति है, जिस प्रकार से कुमार क्या बनाता है, गड़ा बनाता है, तो गड़ा बनाता है तो हाथ अंदर रखते हैं, ऊपर से उसको थापी या इस प्रकार से उसके पास ऐसा लकड़ी का बना हुआ ऐसा यंत्र होता है जो उस पर चोट मारता रहता है, जब तक चोट मारता है तब तक उसका आकार गुलाई न दे सुंदर न बने, तब तक चोट मारता ही रहता है। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि रज्जन माही सहाय करी, हाथ अंदर डाला किसके, गड़े के, और ऊपर से क्या दे रहा है, चोट दे रहा है, तब बाहरी दे चोट, बाहर चोट मार रहा है, अंदर हाथ के उसको सारा दे रखा है। जब वो अपना पूर्ण आकार ले लेगा, गड़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, सबको वो क्या करेगा, ठंडा जल से सबको शीतल करेगा। तो यही बात इसमें ऊपर के सामने आई है कि गुरु है वो ऐसा हो कि शिष्य के जो भी अंदर विषय विकार है उसको निकाल कर उसका हृदय निर्मल पाक पवित्र बनाते, वो है गुरु। गुरु की महिमा यहाँ पर ये बताई है कि वो कैसा है, कुमार की भांति है। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही उसका शिष्य होगा। तो कबीर ने कहा था, जाका गुरु अंध लत, जिसका गुरु अंधा होगा तो क्या कहते, चेला निरक अरंध, यानी चेला तो बिल्कुल ही अंधा बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बताया कि गुरु अच्छा हो, कुमार की भांति हो, तो शिष्य भी उसका क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा, इस भव सागर से पार हो जाएगा। आगामी हम जो आगे का जो पद है उस पर देखें क्या बताना चाहते हैं, देखो साथ साथ में आप उतार लिया करो। तो बताते हैं कि साधु सदनी पदार्थे, साधु सदनी पदार्थे पदार्थे
साधु सदनी पदार्थे सकल होए कल्याण, सकल होए कल्याण आगे देखो रज्जब अग रज्जब अग्य उड़ियन उड़ीगन दूर ही पुनः प्रकटे बाण पुनः प्रकटे बाण साधु सदनी पदार्थे सकल होए कल्याण। कहते हैं कि महान पुरुष साधु, मैंने साधु की महिमा के बारे में पहले बताया, ऐसे साधु किसके घर में पधार जाए, आ जाए घर में, चरण उसके टिक जाए, तो कहते हैं उनका कल्याण हो जाता है, सारे के सारी उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से कौन से साधु की बात की है, कोटि की साधु की बात की है कि जिस सदनी का मतलब घर पदार्थ घर पे पहुंचते ही साधु उसका कल्याण हो जाता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। किस प्रकार से बताया कि रजब अज्ञ उड़ियन दुरही पुण्य प्रकटे भाग, रजब की रजब कहते हैं उनके पाप इस प्रकार से दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार से भान का मतलब सूर्य उदय होता है, तो कहते हैं दूर चले जाते हैं कौन उड़ियन तारे, तारे सारे छिप जाते हैं, जैसे सूर्य क्या होता है उदय होता है, इसी प्रकार से यहाँ पे सूर्य उदय होने का तात्पर्य ये है कि अंदर अपने अंदर वो ज्योति आ जाती है, गुरु के बताए हुए शब्द हमें प्रकट कर लेते हैं, हमारे अंदर रोशनी आ जाती है, तो सारे के सारे जो विषय विकार है वो दूर चले जाते हैं। तो वो होगा कब, साधु सदनी पदार्थे, जब साधु हमारे घर पर पदार्थे हैं, हमें इस प्रकार की दया दृष्टि जब मिल जाती है गुरु की, साधुओं की, ऐसा कहते हैं ना कि साधु के वो ही शरण में जाते हैं जो वो उनके अच्छे कर्म होते हैं, बिना कर्म ये नहीं कहते हैं, बट जे बड़ भाग होए अति निका ते चरण साधु दरिजे, गुरुवाणी में आती है पंक्ति, जे बड़ भाग होए अति निका ते साधु चरण दरिजे, अच्छे भाग्य होंगे तो ही साधुओं के चरण कहाँ पे आएंगे, हमारे घर पे आएंगे, अन्यथा आ ही नहीं सकते। कहते साधुओं के चरण जब हमारे घर पर पधारेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण का मतलब ये यहाँ पे ये है कि हम भी उनकी भांति गुरु की भांति, हमारा भी हृदय पाक पवित्र बन जाएगा, हमारे अंदर जो भी दोष है वो सब निकल जाएंगे, हम पवित्र बन जाएंगे, संसार में होते हुए भी हम संसार से विरक्ति का भाव रखेंगे और हमारा जो असली देह है ईश्वर की प्राप्ति उसको ही हम प्राप्त करेंगे, दूसरा कोई देह नहीं है। तो रज्जब कहते हैं हमारे सारे पाप कर्म दूर चले जाएंगे, पाप कर्म ये नहीं है कि इसी जन्म में, पता नहीं कब कब के हमारे पाप कर्म जो है, मेरा निकात ना कि जन्म जन्म की खता पुरानी, कितने के जन्म लिए हमने पहले, वो भी सारे के पाप कर्म हमारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, जब साधु का पधारेंगे हमारे घर और हमारे अंदर क्या होगा, बाण उदय होगा, सूर्य हमारे अंदर जब उदय होगा तो सारे कष्ट दूर चले जाएंगे। अब आगामी जो इनका दो है उस पर प्रकाश डालें, देखें क्या कहते हैं रज्जब, ये है रज्जब गुरु की महिमा का व्याख्यान करते हुए, शिष्य को सदैव गुरु की शरण में ही रखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आगे बताए हैं देखते हैं, आगे बताते हैं कि सब घट घटा समानी है, सब घट घटा समानी है, सब घट घटा समानी है, ब्रह्म बिजली माही, ब्रह्म बिजली माही माही, रज्जब चमके कौन ने, रज्जब चमके कौन में, सो समझे कोई नाही, सो समझे को नाही, बड़ा ही गहराई दी हुई ये जो है किसका, रज्जब का। कहते हैं सब घट
घटा समानी है ब्रह्म बिजली माही। जिस प्रकार से आकाश में गर्जना होती है और गर्जना होती है बिजली चमकती है, ऐसी बिजली चमकती है ये सबको एक जैसे अंधेरी रात और सबको भयभीत कर देती है। वो इतनी उसकी रोशनी है कि हमसे देखा भी नहीं जाता। तो उसी प्रकार इसमें बताया कि वो रोशनी रूपी बिजली सब घट में क्या है समानी है। हमारी हृदय है ना उसमें भी वो ऐसी ज्योति ऐसा प्रकाशमान ईश्वर का विद्यमान है। तो कहते हैं ब्रह्म बिजली समानी हो, ब्रह्म रूपी अंश बिजली है हमारे घट के अंदर भी है, लेकिन देखता कौन है। तो क्या बताइए रज्जब चमके कौन में, कौन से हृदय में वो चमकती है। वो तो कहते हैं कौन रज्जब चमके कौन में सो समझे नाही, किसके हृदय में वो चमकती है कोई समझ नहीं पाता। बड़ी रहस्यवादी बात है यहाँ पे, लौकिक से अलौकिक बात कही गई है रज्जब के द्वारा कि सब घट में वो बिजली है। बिजली का मतलब यहाँ पे प्रकाशमान है, प्रकाश का मतलब यहाँ पे ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर की ज्योति सब घट में है, लेकिन उस ज्योति को देख कौन पाता है ये बात किसी को समझ में नहीं आती। देख पाता है, अनुभव करता है, दूसरा उसको देख नहीं पाता। यही बात इसमें बताई है। कहते हैं गूंगा व्यक्ति अगर उसको आप गुड़ दे तो खाएगा मुस्कराएगा। आप पूछोगे इसमें क्या आनंद आ रहा है तो बता नहीं पाएगा। जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत को ही भावे, गूंगा व्यक्ति अगर मान लो आम खा ले आप गुरु दे दो मुस्कराएगा आपके सामने आके, लेकिन आप पूछोगे क्या अनुभूति हो रही है नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर की जो अनुभूति है वो दूसरा व्यक्ति परखे नहीं पाता। तो कहते हैं वो घट में विराजमान है। मैंने पहले ही कहा था जो परमंडे सो ही पिंडे सो खोजे सो पावे, जो ब्रह्मांड भी है वो ये 5-6 फुट की देह में सब कुछ विराजमान है। खोजे सो पावे, जो इसको खोजता है वो पाता है, दूसरा नहीं पाता। तो इसी प्रकार इसमें बताया वो घटा में बिजली समाई हुई है, वो ज्योति है ब्रह्म रूपी ज्योति है बिजली है, चमके किसके हृदय में है रजत कहते हैं ये समझे कोई ना ही, कोई समझ नहीं पाता इस बात को। ये बात बड़ी गहराई के साथ रजत ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो यही हम आगे आगामी जो पद है इनके प्रकाश डालते हैं। अरे देखो आपके समझ में आया कि सब घट घटा समानी है। वो घटा बादल रूपी घटा के अंदर बिजली, कवि ने प्राकृतिक माध्यम से बात बताई है सब कुछ अंदर ही। ये आप जो 5-6 फुट की देह लेके घूम रहे हो, ये बाहर लेके घूम रहे हो, ये अमोलक खजाना है आपके अंदर। वो कहते हैं ना कि अब जो अंधाधुंध अंधियारा पे जाने का जानन हारा, या घट भीतर बाग बगीचा यही सृजन हारा, या घट भीतर लेते हैं कृष्ण राम अवतारा, सब कुछ अंदर ही है बाहर नहीं है। तो ये आपको इसमें बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो बताए हुए दोहे आपके समझ में आए होंगे, और 2-3 बार अभ्यास करो आपके समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही, आगामी क्लास में हम रजत के जो भी रचनाएं हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।